हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ एल्टीट्यूड। सो वेरिएशन कैसे आएगा? दो चीज़ के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन आएंगे। फर्स्ट, द रीज़न बिहाइंड द चेंज ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द इंक्रीज ऑफ हाइट। अगर हम लोग जैसे जैसे ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे, वैसे वैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर? सो दिस एज इंक्रीज ऑफ हाइट the atmospheric pressure linearly decreases। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर लीनियरली डिक्रीज होगा। ओके, नाउ सेकेंड रीजन, एज डेंसिटी decreases, atmospheric pressure non-linearly decreases। तो ये नॉन लीनियर बिहेवियर होगा, मतलब कि डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉन लीनियरली डिक्रीज होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर? तो यहां पर ये जो दो रीजंस हैं, उस दो रीजन में एक्चुअल में क्या ऐसा हो रहा है कि जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? सपोज कि हम लोग पहला ले ले, पहला इंक्रीज ऑफ हाइट। क्यों हम लोग ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा? बिकॉज वी नो दैट एटमॉस्फियर, तो सबसे जो लीस्ट सरफेस है वो अर्थ सरफेस होगी एटमॉस्फियर के अकॉर्डिंग। जो सबसे टॉप मोस्ट होगी वो ऊपर 300 किलोमीटर से ऊपर होगी। तो जितनी भी एयर कॉलम है वो सब एयर कॉलम सबसे ज़्यादा फोर्स अर्थ सरफेस पर लगाएगी, क्योंकि सबका वेट नीचे की डायरेक्शन में आएगा, सबका थ्रस्ट लगेगा। हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर कॉलम कम होता चला जाएगा, तो वहां पर कम थ्रस्ट लगेगा, कम थ्रस्ट लगेगा, दैट्स वाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम लगेगा। सो व्हेन एट हाई अल्टीट्यूड एयर कॉलम इज लेस, दैट्स वाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लेस। क्लियर? ओके, अब दूसरा जो रीजन है, दूसरे रीजन में ऐसा क्या हुआ? तो दूसरे रीजन में भी वी नो दैट डेंसिटी, अच्छा जब कभी भी हम लोग हाई अल्टीट्यूड में होंगे एयर कॉलम कम होगा, एयर कॉलम कम होगा तो वहां पर डेंसिटी भी कम होगी। क्यों? क्योंकि जो अपर थ्रस्ट है वो लोअर थ्रस्ट के ऐसे, जो अपर थ्रस्ट है वो अपना वेट लोअर थ्रस्ट को देगा, उससे लोअर थ्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नॉन लीनियर वे में कम होगा। सो दीज आर दी रीज़न। अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँगा जो कि सी लेवल की सरफेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा। तो अब एक एग्जांपल लेंगे, तो सी लेवल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। मतलब कि ये जो हमारा वाई एक्सिस है वो y एक्सिस हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये हमारी हो जाएगी हाइट। तो ग्राफ कैसा मिल रहा है? हाइट बढ़ती जा रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कम हुआ उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए आप, कि जो अर्थ सरफेस के नज़दीक है
वहां पर डिफरेंस ज्यादा है, बट जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तब डिफरेंस जो है वो कम होता चला जाएगा। डिक्रीज तो हो ही रहा है दोनों में, बट जो डिफरेंस है वो नीचे की सरफेस में डिफरेंस ज्यादा मिल रहा है और ऊपर की सरफेस में डिफरेंस कम मिल रहा है, बट डिक्रीज दोनों में ही हो रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात कि वी नो दैट माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज्यादा जो हाइट है वो माउंट एवरेस्ट पे, जब हम लोग उसको उस पे जब पहुंचते हैं तब उसका जो एटमोस्फेयरिक प्रेशर होगा दैट इज ओनली 30% ऑफ एटमोस्फेयरिक प्रेशर एट सी लेवल। तो बहुत ही कम हो जाता है एटमोस्फेयरिक प्रेशर। उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ दो कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूँगा। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज दैट दी वेन एवर अ ह्यूमन बॉडी वेंट टू दी अपवर्ड और हाई एल्टीट्यूड, व्हाट हैपन्स देयर, वी नो दैट एटमोस्फेयरिक प्रेशर कम हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बॉडी का वो बढ़ जाएगा। तो चक्कर आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स कि हाई एल्टीट्यूड पे मत जाया करो क्योंकि वहाँ पे जाके उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। क्लियर। दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस में अगर हम लोग हाई एल्टीट्यूड में फाउंटेन पेन ले जाए, तो फाउंटेन पेन में वी नो दैट इंक भरी हुई होती है, तो इंक हाई एल्टीट्यूड पे लीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने फाउंटेन पेन में कुछ एटमोस्फेरिक प्रेशर से इंक भरी हुई होगी। सो अगर ऊपर जाएंगे तो वो एटमोस्फेरिक प्रेशर बाहर के एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो वो प्रेशर इंक को बाहर धकेलेगा, इसीलिए इंक लीक हो जाती है। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दैट्स अवर टॉपिक वेरिएशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर विथ एल्टीट्यूड। क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग माय वीडियो लेक्चर टिल द एंड, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।